हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान सलमानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथटेक। तो अब तक हमने 2.2 कवर अप कर लिया एक्सरसाइज चैप्टर सेट्स इन रिलेशन क्लास 11। अब हम थोड़ा फंक्शंस का पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। कुछ फंक्शंस हैं उनको ग्राफ का पढ़ेंगे। ओके तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, फंक्शन जो है स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ओके जो कुछ सेट ऑफ इनपुट डिफाइन करता है और सेट ऑफ आउटपुट, ओके रिलेटेड टू जो हमने इनपुट इसमें दिए उससे रिलेटेड। तो मैंने सीबीएसई का फिगर लिए, इसके थ्रू समझते हैं हम। देखो, हमने यहाँ पर 5 इनपुट दी थी तो उसकी आउटपुट हमें 3 मिली, 6 दी थी तो 4, 7 तो हमें 5 मिली। सिंपली फंक्शन में हमें किसी पर्टिकुलर इनपुट की, रिलेटेड इनपुट की सेट ऑफ आउटपुट मिलती है। ठीक है, सेट ऑफ इनपुट फॉर सेट ऑफ आउटपुट। रिलेशन और फंक्शन में सिंपल एक एक डिफरेंस है जो इनको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है, जो हमें मतलब फंक्शन को रिलेशन का पार्ट बना देता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बन जाता है फंक्शन। देखो, रिलेशन में ये अगर हमारे पास 5 है, ठीक है, हम इससे समझते हैं। ये मेरे रिलेशन के लिए बता रही हूँ। हमने यहाँ पर दो सेट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर 1, 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पर हमारी 4 एंड 6 ये वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 इनपुट दूँ तो इसकी 6 भी आउटपुट हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ये रिलेशन में। ठीक है, ये वैलिड है रिलेशन में। पर इन केस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के केस में एक इनपुट की, जैसे हमने 1 इनपुट किया तो एक ही आउटपुट होगी। ओके, 2, 4 एंड 3, 9। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 की आउटपुट 4 भी कर दूँ या मैं 2 की आउटपुट 9 भी कर दूँ, है ना, ये इसमें नहीं होगा। लेकिन फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि 2 इनपुट की सेम आउटपुट आए, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है हमारा फंक्शन एंड रिलेशन में। ठीक है, तो फंक्शंस में सेम इनपुट की सेम आउटपुट हो सकती हैं, 2 यहाँ पर 4 ऐसा हो सकता है। ओके, ये वैलिड है, तो ये फंक्शन होगा। पर सेम इनपुट की 2 आउटपुट नहीं हो सकती, जैसे यहाँ पर 1, 2 ऐसा नहीं हो सकता फंक्शन में, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ओके, ये है सिंपल। ओके, यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पर बताई हुई है। इन फंक्शन ईच इनपुट द सेट ए हैज़ एग्जैक्टली 1 आउटपुट इन सेट बी। ओके, एक इनपुट की एक ही आउटपुट होगी, लेकिन कई सारे आउटपुट की सेम आउटपुट एक इनपुट से मैच कर सकती है। ठीक है, तो कई सारे आउटपुट की सेम इनपुट हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। सॉरी, ये सेम कई सारे इनपुट की सेम आउटपुट हो सकती है, पर एक इनपुट की कई सारे आउटपुट नहीं हो सकती, सिंपल। अब फंक्शन को हम a to b ऐसे डिनोट करते हैं, ओके, ए एरो बी, और इसके लिए हम मैपिंग मैप वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं फंक्शन को, इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ्स करेंगे जो हमें इस चैप्टर में गिवन है। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।